Oh, hello there. Welcome to Toppr Wow Facts. And what are you doing here? Who put you here? Strange. Bootstrap Paradox. That's right. Aaj ke episode mein hum janenge about Bootstrap Paradox. बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक टाइम ट्रैवल थ्योरी है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन को पास में भेजते हैं और वो एक इन्फिनिट टाइम लूप में ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन का एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन अब एग्जिस्ट करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम अनकॉस्ट या सेल्फ क्रिएटेड कहते हैं. कंफ्यूज्ड? ऑलराइट, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज एक दिन कोई आपके घर की डोरबेल बजाता है, आप डोर ओपन करते हैं तो आपको वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ता. डोर बंद करते टाइम आपको नीचे एक किताब दिखाई पड़ती है. आप वो बुक खोलते हैं और उसमें आपको टाइम मशीन बनाने का मैनुअल मिलता है, पर यह सब आपको एक जोक लगता है और आप बुक साइड में रख देते हैं. एक दिन आपको क्यूरियोसिटी होती है और आप उस बुक को लेकर पढ़ने लगते हैं. आपको दिखता है कि बुक में लिखी बातें मॉडर्न साइंस और थ्योरीज पर बेस्ड है. आप सोचते हैं कि क्यों ना इस बुक को फॉलो करके टाइम मशीन बनाना शुरू किया जाए. आपको 20 इयर्स लग जाते हैं उस टाइम मशीन को बनाने में. आपके दिमाग में सिर्फ वही बात रहती है कि उस दिन आपके डोर पर वो किताब कौन छोड़ कर गया था. आप मशीन स्टार्ट करते हैं और वो किताब को लेकर 20 इयर्स पहले उसी दिन को देखने के लिए पास में चले जाते हैं. आप उस मोमेंट का इंतजार करते हैं. बहुत लंबे इंतजार के बाद आप परेशान होने लगते हैं और आप खुद ही डोरबेल बजाते हैं और डोर पर वह बुक रख कर चले जाते हैं. आप देखते हैं कि आप ही बाहर निकलते हैं और बुक लेकर अंदर चले जाते हैं. और यहाँ से शुरू होती है लूप की कहानी. जब वो किताब आपको आपने ही दी थी तो वो लिखी किसने थी? आपने तो नहीं, क्योंकि वो किताब आपको मिली थी. और सवाल यही बना रह जाता है कि आखिर ये बुक आई कहाँ से थी? ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने बचपन में बहुत सुना होगा. कौन सा पहले आया, मुर्गी या अंडा? Now this, my friend, is the bootstrap paradox. Bootstrap paradox उन सभी घटनाओं को क्वेश्चन करता है जो लूप में होते हैं और जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रहता. So does that mean it is possible to change our past? Yes. But also no. ये समझने के लिए कि ये impossible क्यों है, हमें bootstrap paradox के सबसे नजदीकी theory, predestination paradox को समझना पड़ेगा. Predestination paradox वो loop होता है जिसमें एक time traveler past में जाता है और past में होने वाली घटनाओं की वजह से born होता है, जिसकी वजह से वो बार बार past में जाने को मजबूर होता है और एक infinite time loop create करता है. Let's understand this with an example. आपके दो दोस्त की लड़ाई के लिए आपको एक्यूज किया गया है. For the sake of simplicity, let's call them A and B. आप इस बात से अनजान हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं. आपके दिमाग में ख्याल आता है कि आप टाइम मशीन बनाएंगे और उसको पास्ट में जाकर ठीक करेंगे. आपको कई साल लग जाते हैं टाइम मशीन बनाने में. आप पास में जाते हैं और उस लड़ाई के रीजन का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं. इस बात का जवाब ढूंढते ढूंढते आप अनजाने में उन दोनों की लड़ाई का कारण बन जाते हैं. फिर आप बार बार पास में जाते हैं, सब ठीक करने की कोशिश करते हैं और हर बार उनकी लड़ाई का कारण बन जाते हैं. इसी वजह से आप पास को बदलने में असमर्थ रहते हैं. आप लड़ाई को खत्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लड़ाई ही आपकी टाइम मशीन के बनने का कारण है. अगर वो लड़ाई होती नहीं तो आप टाइम मशीन बनाते ही क्यों? शायद अब आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझ गए होंगे. चलिए इसके दूसरे साइड को समझते हैं. यस, इट इज नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल टू चेंज द पास्ट. सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द पास्ट. वेल, या सॉर्ट ऑफ, अगर हम मल्टीवर्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस कंफर्म कर पाए. इस केस में एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाता है और पास्ट की इवेंट्स को चेंज करता है, जिसकी वजह से एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होता है. इस पैरेलल यूनिवर्स में एक नया टाइमलाइन फॉर्म होता है विद नए इवेंट्स जो ओरिजिनल इवेंट्स से अलग होते हैं. काइंड ऑफ
like what you experienced in Avengers Endgame. क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। मुझे विश्वास है कि आप इस टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स के वियर्ड और क्रेजी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे और आपके माइंड के मल्टीवर्स ऑफ इमेजिनेशंस के दरवाजे खुल गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई हैव टू रन बिफोर माई पास्ट सेल्फ कैचेस मी। लेट मी स्टिक दिस हियर। हाँ, I'll see you in the next video. Till then, keep learning. Oh, hello there. Welcome to Toppr Wow Facts. And what are you doing here? Who put you here? Strange. If you enjoyed this video, remember to like, share, and subscribe. Stay tuned for more exciting content.